हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। टुडे वी आर डिस्कसिंग ज्योग्राफी चैप्टर 3, ड्रेनेज। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। स्टूडेंट्स, ड्रेनेज का मतलब है कि किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम है, जो नदियों का सिस्टम है, उस सिस्टम को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, दैट टर्म हैज़ टू बी कॉल्ड ड्रेनेज। Look at the physical map as in our previous video, in our previous chapter of the geography, that where we have to discuss the physical feature of India. As the same, look at the physical map, you will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river. Ki agar hum notice karein, अगर हम इंडिया के फिज़िकल मैप को देखते हैं और हम नोटिस करते हैं कि जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी जो झरने हैं, जो नदियां हैं, दैट फॉलोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर, जब वो अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं और एक साथ फ्लो करती हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज अ लेक और अ सी और एन ओशन, और वो एक बड़ी नदी का रूप लेकर, झील का रूप लेकर, जब वो किसी बड़ी वाटर बॉडीज़ के साथ में मैच करती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं समुद्र या महासागर से, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। यानी एक ही नदी की बात हम करें कि सिंगल जो रिवर है, अगर वो एक एरिया को ड्रेन्ड कर रही है, सिंचाई कर रही है, उसको पानी दे रही है, और जब हम सिर्फ उसी के सिस्टम की बात करते हैं, तो वो जो रिवर है और उस रिवर का जो एरिया है, वो कहलाएगा ड्रेनेज बेसिन। अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया, कि कोई भी वो एरिया, अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को, कि कोई भी वो एरिया जो कि इंडिकेट करता है एक एलिवेटेड एरिया को, सच एज एन माउंटेन और एन अपलैंड, सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स। कि अगर एक ही नदी को बीच में अगर कोई इस तरह का वाटर डिवाइडर आता है, जो कि पानी को, जिसे हम कह सकते हैं कि कोई ऊंचा उठा हुआ एरिया आ सकता है, लैंड कह सकते हैं हम, या कोई पर्वतीय क्षेत्र जो उस नदी को दो भागों में इक्वली डिवाइड कर देता है, उस एरिया को या उस चीज़ को या उस अपलैंड को हम वाटर डिवाइडर कहेंगे। द सेम यू हैव टू बी सी इन द पिक्चर, कि एक ही नदी आ रही है, उसको टू स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया गया है, स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी, दैट हैज़ जो उठा हुआ एरिया है, चाहे ये पहाड़ हो, चाहे ये डिवाइडर हो, ये आपका जो है कहलाता है, हम कह सकते हैं कि वाटर डिवाइडर। नाउ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इफ़ वी आर टॉकिंग कि भारत में जो नदियों का सिस्टम है वो कैसा है, क्या है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द बॉर्डर रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स, कि भारतीय जो नदियाँ हैं और उनका जो सिस्टम है या उनका जो इरिगेटिंग एरिया है या जो उनके जो फीचर्स हैं, उनको हम मोस्टली टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, टू मेजर ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ हिमालयन रिवर्स एंड द सेकेंड इज़ पेंसिकुलर रिवर्स। यानी एक भारत में जो नदियाँ निकल रही हैं, वो दो तरीके से निकलती हैं। पहली नदियाँ तो वो मानी जाएंगी जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, उन नदियों को हम हिमालयन नदियाँ कहेंगे। दूसरी जो पठारी क्षेत्र से जो नदियाँ निकल रही हैं, जो हम कह सकते हैं कि दक्कन के पठार से या इस तरफ से जो रिवर्स निकलती हैं, उन्हें हम पेंसिकुलर रिवर्स कहेंगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर साइकोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेंसिकुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। अगर हम बात करें, ये जो दोनों ही तरह की नदियाँ हैं, चाहे हिमालयन नदियाँ हों चाहे पठारी नदियाँ हों, ये दोनों ही एक दूसरे से कई तरीके से अलग मानी जाती हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। कि हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स हैं, उन्हें हम पेरिनियल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पेरिनियल का मतलब है कि उनमें वर्ष भर पानी होता है।
it means that they have water throughout the year. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. क्योंकि इन नदियों में एक तो बारिश का पानी पूरे साल बहता है और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो मेन रीज़न है या जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो ये है कि ये नदियाँ जो हैं इनके अंदर जो मेल्ट होती है बर्फ, हिमालयन क्षेत्र में जो बर्फ़ पिघलती है उसका पानी जो है वो वर्ष भर बहता है. द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज. कि नॉर्थ से ये दो नदियाँ निकलती हैं इंडस और ब्रह्मपुत्र. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्ज जो पर्वत है जॉर्जी वो इनको कट करता है. द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर कोर्स ऑफ टू द सी. हिमालयन रिवर्स जो हैं उनका हम ये कह सकते हैं कि लंबा ये रास्ता तय करते हैं देयर सोर्स टू द सी और ये समुद्र तक जाती हैं. They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads, slates and sand. ये नदियाँ पूरे वर्ष पर बहती हैं तो ये अपने साथ में क्या करती हैं कि बहुत सारा स्लेट और सॉइल जो होता है मिट्टी जो होता है उसको साथ में लेके चलती हैं. इन द मिडल और इनके मध्य में अगर हम बात करें एंड द लोअर कोर्स दीज रिवर्स फॉर्म मीन डियर्स ऑक्सबोज लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजनेशनल फीचर्स इन द फ्लड पेन्स. कि जो बाढ़ के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इन नदियों के द्वारा मिडल कोर्स हैं अपर कोर्स हैं मीन डियर्स हैं ऑक्सबो जो हैं अलग अलग तरह की जो आकृतियाँ निर्मित की जाती हैं वो भी हमें यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू शो किया गया है. दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास. इन नदियों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो विकसित डेल्टा हैं वो भी यहाँ पे हमें पाए जाते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ पेंसिकुलर रिवर्स आर सीजनल. लेकिन इनके कंपैरिजन में अगर हम पेंसिकुलर रिवर्स की बात करते हैं तो ये जो रिवर्स होती हैं ये सीजनल होती हैं. सीजनल का मतलब मौसमी नदियाँ होती हैं. एज देयर फ्लो इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. क्योंकि इनका जो बहाव है वो बारिश पे डिपेंड करता है. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन और जब सूखा मौसम होता है जो गर्मी का मौसम होता है इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर कैनल्स. तो उस समय यहाँ पे जो रिवर्स का पानी है वो रिड्यूस हो जाता है उनका जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है कम हो जाता है. द पेंसिकुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड स्लोअर कोर्सेज एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स. कि अगर पेंसिकुलर रिवर्स को हम हिमालयन रिवर्स के साथ में कंपेयर करते हैं इनकी अगर हम तुलना करते हैं तो ये नदियाँ छोटी होती हैं इनमें पानी का बहाव उतना तेज़ नहीं होता है जितना कि हिमालयन रिवर्स के अंदर होता है. हाउ एवर सम ऑफ देम ओरिजिनेटिंग इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट. और इनमें से जो काफ़ी नदियाँ हैं वो सेंट्रल जो हाईलैंड्स हैं जो मध्य के जो ऊंचे भाग हैं हमारे देश के वहाँ से ये निकलती हैं और ये वेस्ट की तरफ जाती हैं. यू कैन आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स. क्या आप इस तरह की दो बड़ी नदियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेंसिकुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. और अगर हम देखें पेंसिकुलर जो इंडिया है वहाँ से कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलकर बे ऑफ बंगाल की ओर जाती हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिमालयन रिवर्स. सबसे पहले हमने इनको दो भागों में डिवाइड किया जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का हिमालयन एंड पेंसिकुलर रिवर्स. तो अब हम इसमें हिमालयन रिवर्स में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं उनका फ्लो क्या है कहाँ से होती हुई जाती हैं कौन कौन से डेल्टास बनाती हैं क्या उनका सिस्टम है दैट वी हैव टू बी डिस्कस इन अवर दिस टॉपिक. द हिमालयन रिवर्स द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. ये तीन जो मेन नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती हैं. दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाई मैनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. ये तीनों ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं ये तीनों ही काफ़ी लंबी नदियाँ हैं और ये बहुत लंबे एरिया को ज्वाइन करते हुए कई सारी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ भी निकालती हैं. अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी मे बी कॉल्ड रिवर सिस्टम.
एक नदी अपनी सहायक नदियों के साथ में ही हम कह सकते हैं कि रिवर सिस्टम कहलाता है. सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम. द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत. रिवर इंडस जो है वो तिब्बत से निकलती है नियर लेक मानसरोवर, जो मानसरोवर लेक है वहाँ से. फ्लोइंग वेस्ट पश्चिम में बहती है. इट एंटर्स इंडिया, भारत में एंटर करती है इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू. जम्मू का जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है. इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्वी जॉर्ज इन दिस पार्ट. ये जो है एक पिक्चरस्वी वहाँ पे बनाती है. सेवरल ट्रिब्यूटरीज, कई सारी इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, द जस्तर, द नुरबा एंड द शायर एंड द ह्यूंजा. जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन. ये इनको कश्मीर रीजन में निकालती है. द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड द गिलगित एंड द इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक. और अगर हम इंडस नदी की बात करें तो ये बहती है बलूचिस्तान से और गिलगित से होते हुए ये इंडिया के अंदर अटॉक जो एरिया है, माउंटेन है, वहाँ से ये एंटर करती है. द सतलुज, द बेस, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान. और ये सभी नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं और ये पाकिस्तान के कॉर्नर पे मिथानकोट जो है वहाँ पे इसको एंटर करती हैं. बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लू साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट टू कराची. बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड्स, ये साउथवर्ड्स की ओर बहती है दक्षिण की ओर बहते हुए, इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी अरब सागर की ओर जाती है और ईस्ट में कराची की ओर निकल जाती है. द इंडस प्लेन हैव वेरी जेंटल स्लोप. इंडस के जो हम कहें कि जो मैदानी क्षेत्र है वो बहुत ही ढाल वाले हैं. विद द टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. विश्व की बड़ी नदियों में से एक नदी जो है वो इंडस नदी को माना जाता है. A little over a third of the Indus Basin is located in India. और इसका जो हम कहें कि over the third of the Indus Basin is located in India, जो इसकी third basin है वो इंडिया में locate करती है, in the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab and rest is in Pakistan. कि इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और इसका जो कुछ भाग है वो पाकिस्तान में भी जाता है. Now, Ganga River system. The headwaters of the Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri Glacier and joined in the Alaknanda at the Dev Prayag in Uttarakhand. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains on the to the plains. यानी अगर हम कहें कि इसका जो हेड वाटर जो गंगा का है, जो मेन जो इसका प्रमुख पानी जो आता है वो भागीरथी से आता है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर्स में है और ये ज्वाइन करता है बाय द अलकनंदा एट द देव प्रयाग इन उत्तराखंड. एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स. और हरिद्वार में जो है ये गंगा माउंटेन्स को इमर्ज करती है एंड ऑन टू द प्लेन्स और वहाँ से ये मैदानी क्षेत्र में बहना शुरू करती है. द गंगा इज़ ज्वाइन बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज. गंगा जो है वो कई सारी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है फ्रॉम हिमालयाज. अ फ्यू ऑफ दैम बींग मेजर रिवर्स. उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जैसे कि हम कहें यमुना, घरघर, गंडक एंड कोसी. द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज. यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हिमालय से ही. इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा और ये गंगा के समानांतर बहती है. एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स टू द गंगा और एक सहायक नदी के रूप में ये अलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है. द घरघर, द गंडक एंड द कोसी राइजेज इन द नेपाल हिमालय. ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं. दे आर द रिवर्स विच फ्लो फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स एवरी ईयर. ये कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो नॉर्थन प्लेन्स में हर बार बाढ़ लेके आती हैं, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ. इनकी वजह से जीवन में जीवन जो है वो काफ़ी संघर्ष करता है, डैमेज भी होता है एंड प्रॉपर्टी वेयर एज दे एनरिच द सॉइल फ्रॉम एग्रीकल्चरल यूज़. लेकिन इनके साथ जो मिट्टी आती है वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी
अच्छी भी होती है. द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेंसिकुलर अपलैंड्स आर द चंबल एंड बेतवा एंड द सोन. दीज राइजेस फ्रॉम सेमी एराइड एरियाज हैव शॉर्टर कॉर्ड्स एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन दैम. ये नदियाँ भी इनकी सहायक नदियाँ हैं बट इनके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होता है. दैन फाइंड आउट वेयर एंड हाउ अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा. ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये गंगा को कहाँ ज्वाइन करती हैं. Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flow and eastwards. Ganga जो है वो पूर्व की ओर बहती है till Farka in the West Bengal तक. This is the northmost point of Ganga Delta. और ये northmost point माना जाता है Ganga Delta का. The river purificates here. The Bhagirathi Hugli, a distributary flows southwards through the Deltic plains to the Bay of Bengal. The main stream flows southwards into Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. यानी इस एरिया में आके ये जो नदी गंगा ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी के साथ को उसको ज्वाइन करती है बांग्लादेश में. फर्दर डाउन स्ट्रीम्स और यहाँ से ये नीचे की ओर चलना शुरू होती है. इट इज़ नोन एज द मेघना. This mighty river, ये भी एक बड़ी नदी है. With waters from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. और ये यहाँ पे तीनों का जो water है ये Bay of Bengal में गिरता है. The delta from by these rivers is known as the Sundarban Delta. और इन नदियों के द्वारा जो वेस्ट बंगाल में या हम कहें कि बे ऑफ बंगाल में जो इनका डेल्टा बनाया जाता है वहाँ उस डेल्टा को हम सुंदरबन के डेल्टा से जानते हैं, उसको हम मानते हैं. द लेंथ ऑफ गंगा इज़ ओवर 2500 किलोमीटर. लुक एट द फिगर दैट हैज़ टू बी गिवन इन द मैप इन अवर प्रीवियस पेज. कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फ्रॉम बाय द गंगा रिवर सिस्टम. क्या हम इसको देख के ये बता सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न वो शो करती है. अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम. कि अम्बाला जो है वो इन दोनों ही रिवर्स को जहाँ पे ये डिवाइड करती है वहाँ पे लोकेट करता है. द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरवन स्ट्रेच्ड ओवर नियर बाय 1800 किलोमीटर बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 3 meters. इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि देर इज़ अ फॉल ऑफ जस्ट 1 meter फॉर एवरी 6 किलोमीटर. देयरफॉर द रिवर्स डेवलप्स लार्ज मेंटर्स. मेंटर्स मतलब ऊंचे नीचे जो एरिया ये डेवलप करते हैं. दैट हैज़ टू बी क्रिएटेड बाय द रिवर गंगा एंड द एरिया दैट हैज़ टू बी कम इन हर इन इट्स वी कैन से इन इट्स वे. द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इफ यू आर टॉकिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेज द तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक वेरी क्लोजली टू द सोर्सेज ऑफ द इंडस एंड द सतलुज. यानी जहाँ से सतलुज और इंडस नदी निकलती हैं वहीं से मानसरोवर के ईस्ट में से तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी भी फ्लो करती है. इट इज़ स्लाइटली longer than the Indus. ये longer है कुछ हद तक. ये Indus नदी से बड़ी है and most of its course lies outside India. और इसका अधिकतम भाग जो है वो इंडिया के बाहर से निकलता है. इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालय. ये पूर्व में हिमालय के पैरेलल बहती है. ऑन रीचिंग द नमचा बारवा इट टेक्स अ यू टर्न. लेकिन ये नमचा बारवा के अंदर यू टर्न लेकर एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश. वहाँ से ये भारत के अंदर एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से थ्रू अ जॉर्ज हेयर. यहाँ से भी वो एक दर्रे के थ्रू जो है अंदर एंटर करती है. इट इज़ कॉल्ड द दिहांग. यहाँ इस क्षेत्र को जहाँ पे एंटर करती है दिहांग कहा जाता है. एंड इट इज़ जॉइन बाय द दिहांग एंड लोहित एंड लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन आसाम. ये लोहित को जो है लोहित दिबांग लोहित से होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है आसाम में और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं. द तिब्बत रिवर्स कैरेज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर. तिब्बत की जो नदियाँ हैं वहाँ से ये वाटर बहुत ही कम लेके चलती हैं एंड लेस स्लिट. और इनमें जो अवसाद होते हैं वो भी कम होते हैं. एज इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया. जबकि ये सूखा और ठंडा एरिया है इन इंडिया. इट पासिस थ्रू द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल. और भारत में ये
भारी वर्षा वाले क्षेत्र को क्रॉस करती है. हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यहाँ से इस नदी के अंदर पानी जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है. एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्लिट्स, और कंसिडरेबल और इसके अंदर जो स्लिट्स अवसाद की जो मात्रा है वो भी काफ़ी रेज हो जाती है. द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेडेड चैनल in its entire length in Assam and forms many riverine islands. यानी कई सारे आइलैंड भी ये नदी बनाते हुए चलती है. Do you remember the name of the world's longest riverine island formed by the Brahmaputra? Every year during the rainy season, हर साल बारिश के मौसम में द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, ये अपने किनारों से भी ओवरफ्लो कर जाती है, causing widespread devastations due to the flood इन आसाम एंड बांग्लादेश. और आसाम और बांग्लादेश में इस नदी की वजह से बाढ़ के हालात बन जाते हैं. अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ स्लिट्स ऑन इट्स बेड, कॉजिंग द रिवर बैक टू राइज. द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स कैनल फ्रीक्वेंटली. और ये नदी जो है हम कह सकते हैं कि अनलाइक अदर, इसको जो लाइक नहीं किया जाता है उस एरिया में, बिकॉज इसकी वजह से बाढ़ के आसार होते हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं. एंड ये जो अपने कैनल हैं, चैनल्स हैं, वो भी शिफ्ट जो है वो बहुत जल्दी करती हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, पेंसिकुलर्स रिवर्स वी हैव टू बी डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.